चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 338 करोड़ बकाया हमारे जिले का है और पिछले साल का है। किसानों के साथ ऐसा काम हो रहा जो कभी आजाद हुआ देश उसके बाद से ऐसा तरक्की किसानों ने नहीं देखी, वो इनके शासन काल में हो रही है। जब तक किसानों का भुगतान नहीं समय पे होता तो कोई हमारे घर में कोई रौनक नहीं, कोई खुशी नहीं है। आप समय पे भुगतान किसानों का नहीं कर रहे, कोई उम्मीद मत रखो कि बिजली का बिल हो या कोई रिकवरी आप किसान के घर से कर पाओगे। राम राम जी। बहुत बड़ी तादाद में इस मिल से प्रभावित किसान यहां आए, सारे काम छोड़ के आज यहां आप आए हो और कई दिन से धरना संचालित भी चल रहा है। मैं समिति को भी क्षेत्र के सभी किसानों से की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, यहां तक बात पहुंचाई। मैं आपको भी सबको बधाई देता हूं कि आपने यहां आकर अपने ताकत का प्रदर्शन किया है। ये सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, प्रशासन के लोग यहां बैठे हैं, सरकार को सारी बात मालूम है और हल भी सरकार के पास ही है। ये बात अलग है, ये निजी मिल है, इनकी भी खूब कमियां हैं, उजागर हुई हैं, किसानों को बात मालूम है और मैं आपका गन्ना भी देखता हुआ आ रहा था। इतना लंबा 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 गांडा आपका खेतों में खड़ा है, मैं सोच रहा था क्या कारण है, कौन रस पी गया इनका कि शामली में कोई अलग कोई किस्म आ गई कि चीनी नहीं निकलती, बताओ। अभी 38 ही बोल रहे हो क्या, रोग भी लग गया उसमें, लग रहा है रोग। तो किसान तो नुकसान भी सहन कर रहे, ये किसान के ट्रैक्टर देखकर सोचते हैं कि किसान बहुत तरक्की कर रहा। मोदी जी भाषण देते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, कल बोल रहे थे, कह रहे थे कि मुझे मैं अपने तीसरे कार्यकाल में इस देश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पहुंचा दूंगा। सबसे पहले तो तीसरे कार्यकाल का फैसला कर लिया गया आपने, अभी तीसरा कार्यकाल मिल रहा है क्या मोदी जी को? शामिल ने तो पत्ता साफ ही कर दिया पिछले चुनाव में, 3-3-0। और मैं सरकार से पूछता हूं कि यही सजा भुगत रहे क्या हम लोग? यही कारण है कि यहां का गन्ना सूखा निकल रहा है, चीनी नहीं निकल रही गन्ने से? 338 करोड़ बकाया है एक जिले का, 338 करोड़ बकाया हमारे जिले का है और पिछले साल का है। लखनऊ में जब प्रेस वार्ता होती है और सरकार की कोई तारीख होती है जो सरकार मनाना चाहती है, तो सारे पत्रकारों को बुलाकर सरकार दावा करती है कि 14 दिन में भुगतान हम कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिए साहब, भ्रष्टाचार खत्म, गुंडागर्दी खत्म, लॉ एंड ऑर्डर है, योगी जी का बुलडोजर कायम है और किसानों के साथ ऐसा काम हो रहा जो कभी आजाद हुआ देश उसके बाद से ऐसा तक की किसानों ने नहीं देखी, वो इनके शासन काल में हो रही है। ये बात गले से नहीं उतर रही, जो कोई प्रमाण मांगता है ये सारे प्रमाण, जितने सर यहां बैठे हैं, जितने लोग कह रहे हैं यहां कि हमें भुगतान हमें समय पे 14 दिन पे चाहिए, क्यों कह रहे हैं? ये झूठे हैं क्या? ये किसान नहीं है जो यहां आए आज? 14 दिन में हो रहा क्या भुगतान शामली जिले के किसान, बताओ। और जो समय पे भुगतान नहीं हो रहा तब क्या हक है आपका, बताओ? तो 14 दिन में भुगतान नहीं होता तो किसान का हक क्या बने? ब्याज, जोर से बोलो ब्याज। तो सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और कल्पना करो, कल्पना करो, यही घाटा जो आपका रोज हो रहा है, जो नुकसान, जो चोट आप रोज सह रहे हो,
ये और लोगों के चोट लग रही होती, जो बहुत ताकतवर है सरकारों में, जो पर्दे के पीछे भी रहते हैं और पर्दे के आगे भी उनको लाया जा रहा है। अदानी पोर्ट घाटे में चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया में जो करार करके आए थे वो घाटे में था। मोदी जी जून में गए अमेरिका और क्या गुफ्तगू उन्होंने वहां करी मैं नहीं जानता। और कल ही अमेरिका की सरकार ने घोषित कर दिया कि वो जो घाटे में अदानी पोर्ट का ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट था वो अमेरिका खरीद लेगी और पैसा उनको दे देंगे। तो जो टिके साहब ने कहा भाई बेच लो, खरीद फरोख्त कर लो, जब नहीं चल रही तुमसे मिल, ये भी उपाय है। तो ये अदानी की बात होती तो कितना समय लगता? 2 मिनट नहीं लगती। ये वही सरकार है, गेहूं पे निर्यात पे प्रतिबंध लगाने तो रातों रात लग जाते हैं, धान पे प्रतिबंध लगाने निर्यात नहीं होगा क्यों, महंगाई हो जाएगी, 2 दिन नहीं लगते। प्याज के निर्यात पे प्रतिबंध लगाने तो एकदम घंटों में हो जाता है। आलू के निर्यात पे प्रतिबंध इस सरकार ने लगाए, पहले लगे हो ना लगे उस सरकार ने लगाए। इन सारे तमाम फैसलों का नुकसान किसी पूंजीपति को नहीं है, किसी मोटे व्यापारी को नहीं है, सीधा सीधा नुकसान किसान को होता है इन फैसलों से। किसान के हित का जब सवाल आता है तो सरकार फैसले क्यों नहीं ले सकती? यहां बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, क्यों नहीं लखनऊ बात करते? ये जितने लोग हैं बस समिति कोशिश कर रही है इनको नियंत्रित करने की। रोज लोग आते हैं, लोग शिकायत करते हैं। मैं सुन रहा था अभी चौबी साहब कह रहे थे, पूछ रहे तुम किस बात को राजी हो बताओ। एक स्वर में किसानों ने खड़े होकर कह दिया 14 दिन में भुगतान हो, पुराना भुगतान आज ही हो, यही बात लोगों ने कही है। तो जो यहां नेतृत्व कर रहे हैं, धरने को 3 महीने से लगातार चला रहे हैं, उनके पास क्या बात है जिस बात को लेके किसान के बीच रखेंगे वो किसान मान जाएंगे? अब वो क्यों विश्वास करें और किन पे विश्वास करें? यही तो काम प्रशासन का होता है। यहां मौजूद अधिकारियों को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए, लखनऊ वार्ता करनी चाहिए, हल्के में ना लें इस बात को। सारे हल आपके सामने हैं, वहां योगी जी चाहेंगे तो हो जाएगा, यहां डीएम चाहेंगे तो हो जाएगा, और मिलके मालिक चाहेंगे तो हो जाएगा। हम लोग जितने आए हैं, जो मंच पे आज मैं बोल रहा हूं, हम लोग किसान के हैं पूरी तरह। किसान की जो लड़ाई है और किसान जो चाहता है हम लोग वही करेंगे, वही कहेंगे, और कोई दावे की बात नहीं। आज अगर बाबा टिकैत होते और चौधरी अजीत सिंह जी होते और हमारी राजनीति किसानों की मजबूत होती, अगर सरकारें हमारी होती तो ये नौबत नहीं आनी थी। आपको बार बार सड़कों पे आना होता है और तब भी इल्जाम भी सहते हो आप ही। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए और 13 महीने वो लगातार किसानों को कहते रहे कि ये तो आतंकवादी है, दिल्ली में ना घुसने पाए, खालिस्तानी है, ये किसान है ही नहीं, तरह तरह की बातें जो लोग कह रहे थे। आज सत्ता में बैठे हैं वो लोग। तो बहुत हिम्मत वाला किसान है, बहुत संघर्ष किसान को करना पड़ता है, अपनी मांग को लेकर लगातार संघर्ष करना पड़ता है, और इस देश में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको इतना संघर्ष करना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी हैं, उनका वेतन तो महंगाई के साथ साथ डियरनेस अलाउंस लगातार उनको उनकी बढ़ती रहती है, उनको मिलता रहता है। कभी कभार कोई एक आंदोलन होता है, 2-3 दिन की बात होती है, मांग उनकी सरकार मान लेती है। पर किसान ही है जो आपका कानूनी हक है, उसके लिए भी आपको महीनों तक सड़क पर बैठना पड़ेगा। तो इसलिए यह दर्द आपका मेरा दर्द है। इस बार दिवाली फीकी रहेगी, मेरे पास अभी कोई ठोस उपाय नहीं कि मैं आपको यहां पेश करूं, और मैं भी एक यही कहूंगा कि मैं भी इस बार दिवाली नहीं मनाने का।
कोई दिवाली नहीं है। जब तक किसानों का भुगतान नहीं समय पर होता तो कोई हमारे घर में कोई रौनक नहीं, कोई खुशी नहीं है। ये सरकार इस बात को सोचे, चुनाव करीब आ रहे हैं, हरियाणा की सरकार खट्टर जी की रोज मैं आलोचना करता हूं, रोज करता हूं, जो वहां लोगों को आपस में उन्होंने लड़वाया भिड़वाया अपनी छोटी राजनीति के लिए। इससे पहले हरियाणा की राजनीति में कभी जाट गैर जाट की बात हमने नहीं सुनी, इस बार हमने सुनी है, देखिए होते हुए झगड़ा करवाया इन्होंने, इसलिए मैं रोज उनकी आलोचना करता था। लेकिन हमारे योगी बाबा से तो बेहतर निकले, 386 घोषित कर दिया, 380 तो पंजाब पिछले साल दे रही थी और अगले साल का भी घोषित कर चुके हैं, 400 रुपए अगले साल का घोषित हो लिया। आज हमारे यहां मिल चालू है, जानबूझ करके अगर पेरोल सत्र के पहले गन्ने का भाव सरकार घोषित करती, इन्हें मालूम है कि किसानों के साथ इन्हें कंजूसी करनी थी, मिल मालिकों के दबाव में लोग रहते हैं जानबूझकर, इसलिए इन्होंने घोषणा नहीं करी कि मिल चलाओ। और मिल चलाने के एक आध महीने बाद हम जब दिसंबर आएगा, दिसंबर के बीच में जाके घोषित करेंगे, तब सारे किसान व्यस्त हो जाएंगे अपने अपने कामों में, पर्ची के पीछे भाग रहे होंगे, कोई ये नहीं पूछेगा गन्ने का भाव इतना कसरत क्यों किया, कोई नहीं कह पाएगा। और पेरोल सत्र के पहले घोषित होता तो हम जितनी संख्या में है इससे 10 गुना संख्या यहां बैठी होती, हम लोग कहते हैं कि गन्ने का भाव उचित नहीं, लाभकारी मूल्य गन्ने का होना चाहिए। तो ये हमारे आंदोलन आपके संगठन को कमजोर, आपकी लाठी को कमजोर करने के लिए जानबूझकर ये देरी कर रहे हैं। ये तो काम किसी और का है नहीं, गन्ने का आरक्षण अब आप, पहले सुनवाई होती थी किसानों की, लखनऊ बुलाया जाता था, मेरे जानकारी में कोई लखनऊ की बैठक नहीं, अब नहीं हो रही बैठक है, कोई वार्ता किसानों के साथ नहीं हो रही है। मूल निर्धारण की प्रक्रिया होती थी, गन्ने के शोध केंद्र की रिपोर्ट आती थी, अखबारों में छपती थी कि क्या लागत आई है। मुझे बताओ, मैं तो रोज अखबार देखता हूं, किसी ने खबर पढ़ी कि गन्ना शोध केंद्र ने आकलन किया कि इस साल इतनी लागत है, तो ये जब हिसाब किताब लेखा जोखा सरकार देना ही नहीं चाह रही, तो मूल निर्धारण की प्रक्रिया क्या है पहले तो यही मेरे समझ में नहीं आती है। ये दावा करें कि किसान की लागत पे 50% मुनाफा देने के लिए मोदी जी ने प्रण कर रखा है, स्वामीनाथन जी आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनका नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनका फॉर्मूला आज तक देश में लागू क्यों नहीं हुआ, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये किसकी जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी किसानों की नहीं है। मूल निर्धारण, क्षेत्र आरक्षण, 14 दिन में भुगतान होना ना होना, कानूनी तौर पे सरकार की दखल और सरकार का निर्णय सब पे लागू होगा। भाई एक कमी जरूर है, जो टिकैत साहब कह रहे थे कि ये एक समाधान, ये भी है, 1971 का कानून था शुगर अंडरटेकिंग एक्ट, क्या जल्दबाजी थी, केंद्र में सरकार बनते ही मोदी जी ने पहला काम यह किया कि कानून बेकार है, इसकी आवश्यकता नहीं, कानून खत्म करो। और वो कानून क्या था, कानून में प्राविधान यह था कि अगर राज्य की सरकार चाहती और अगर कोई मिल समय पे किसान का भुगतान नहीं कर रही तो उसका अधिग्रहण भी सरकार किसानों के हित को देखते हुए कर सकती थी। अब मुझे बताओ ये कानून किसने हटवाया, बताओ क्यों हटवाया, ये आपके फायदे का है नुकसान का, आज अगर ये दबाव होता सरकार पर, अभी तक आरसी भी नहीं जारी कर पाई सरकार, आरसी जारी हुई है क्या बताइए, कोई रिकवरी नहीं। कान खोल के सुन ले, यहां अधिकारी मौजूद हैं, जब तक इस जिले के किसानों का भुगतान नहीं होता यहां धरने का फैसला भी समिति लेगी, उनके फैसले के साथ हैं। और दूसरी बात, आप समय पे भुगतान किसानों का नहीं कर रहे, कोई उम्मीद मत रखो कि बिजली का बिल हो या कोई रिकवरी आप किसान के घर से कर पाओगे। बिजली का बिल किसान देने का बोझ नहीं है, किसान नहीं दे सकता,
अमित शाह जी ने घोषणा की थी, याद है कि नहीं, कि हमारी सरकार बनवाओगे फ्री बिजली किसानों को देंगे। किसान के बिजली के बिल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सारे पत्रकार देख लो, आ रहे हैं? हाथ वहां कैमरा लगाओ। और जो गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा तो बिल कहां से दोगे बताओ? पहले कुर्की उद्योगपति की होगी, फोरेंसिक जांच कराइए, इनके खातों को खुलवाइए, एक एक लाइन एंट्री को देखिए कहां इन्होंने गबन किया है। ये भ्रष्टाचार अगर इन्होंने किया तो इसकी सख्त से सख्त सजा इनको मिलनी चाहिए, और हम आपके साथ हैं। जितने अधिकारी हैं आपके हाथ में कलम है और इनके हाथ में लठ है, इस काम में देरी ना कीजिए, लखनऊ को सीधा बात कीजिए आप। हमारे यहां जो समिति के सदस्य हैं, जैसा मैंने पहले कहा, मेरे पास कोई बात होती लिखित में मैं कहता, मैं आपसे पूछता, और आप राजी होते तो मान लेते, राजी नहीं होते तो हम वैसा निर्णय लेते। अभी स्थिति वहां तक पहुंची नहीं है मेरे समझ में, तो मैं तो यहां बैठा हूं, ये इनके ऊपर है, तय करें। और समिति की तरफ से जो भी यहां आदेश है आगे की जो भी बात है वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। आप लोग अपनी जगह बैठे रहे, देखो हमारे